जैसे क्लास 10th और 12th आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम को लेकर बिग अपडेट है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इस बात को लेकर सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है। सीबीएसई की तरफ से हाल ही में एक सर्कुलर जारी हुआ था और सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर एक कहना था कि जो आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम है उसमें आपको तो पता ही होगा कि MCQ बेस्ड पे होगा, जिसमें QMR शीट पे आपके एग्ज़ाम होंगे, 90 मिनट्स का होगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हैं, आपको पता होने चाहिए। क्लास 12th के स्टूडेंट आपको तो पता ही होना चाहिए। तो अब बात करते हैं आपके डेट शीट को लेकर, टर्म 1 के एग्जाम की डेट शीट कब आएगी। तो उस चीज़ को लेकर सीबीएसई की तरफ से कहना है कि जो आपकी डेट शीट है वो 10 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगी। अब इसी बेस पे अगर हम एग्ज़ाम देखेंगे तो एग्ज़ाम भी यहाँ पर यही खबर निकल कर आ रही है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो नवंबर मिड में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पे होंगे या ऑफलाइन मोड पे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो, घर में हो। सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर कहना है कि आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पे ही लेंगे, क्योंकि अब क्लास 9 से 12th के स्टूडेंट के स्कूल ओपन हो चुके हैं, जिसमें जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे ही होना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं, वो चाहते थे कि ऑनलाइन मोड पे हो जाए। तो गाइस, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब क्लास 12th के स्टूडेंट, 10th के स्टूडेंट, आपको ये बात पता होगी कि टर्म 1 के जो एग्ज़ाम है वो आपके 50% सिलेबस पे बेस्ड है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट दोनों बनेगा, टर्म 1 के एग्ज़ाम से और टर्म 2 के एग्ज़ाम से। अगर आप टर्म 1 में ही अच्छा स्कोर नहीं करते, टर्म 1 में अगर आप सही से मार्क्स ला पाते और या कुछ स्टूडेंट मान के चलो 10 से 12 मार्क्स लाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो वो टर्म 1 टर्म 2 के एग्ज़ाम देंगे तो उनके अच्छे परसेंटेज नहीं बनेंगे। तो ये टर्म 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन मोड पे हो या ऑफलाइन मोड पे हो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। और सीबीएसई की तरफ से एक ये भी कहना है कि जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपने कितना स्कोर किया, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो छोटी सी खबर थी, आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की खबर जानने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।